आज के समय में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसने व्हाट्सएप के बारे में ना सुना हो। आज व्हाट्सएप दुनिया भर में फेमस है और रोजाना नए यूजर्स इससे जुड़ते जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि 1 बिलियन यूजर्स रोजाना व्हाट्सएप चलाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि आपने कभी व्हाट्सएप में कोई विज्ञापन नहीं देखा होगा। फिर ये पैसे कैसे कमाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बिना विज्ञापन के कोई भी कंपनी चल नहीं सकती। फिर व्हाट्सएप का राज क्या है, क्या आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा? जहां तक मुझे लगता है आपने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा। तो चलिए आज के इस एपिसोड में व्हाट्सएप के बारे में ही बात करेंगे। हाय दोस्तों, मैं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट्सएप एक ऐसी मैसेजिंग ऐप है जो कभी आपको विज्ञापन नहीं दिखाती और ना ही कभी आपसे यूज करने के पैसे लेती। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये पैसे ही नहीं कमाती तो क्या मार्क जुकरबर्ग ने इसे समाज सेवा के लिए खरीदा है? नहीं दोस्तों, हकीकत में व्हाट्सएप ने अपना हथियार सबसे छुपा कर रखा है। व्हाट्सएप के नियमों के हिसाब से वो किसी भी यूजर के मैसेज को ना तो अपने सर्वर पर स्टोर कर सकता है और ना ही उन्हें पढ़ सकता है। इसलिए व्हाट्सएप ने मैसेज एनक्रिप्शन शुरू कर दी है, जिससे सिर्फ मैसेज करने वाला और मैसेज पाने वाला ही मैसेज को देख सकता है। यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकता। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर व्हाट्सएप यूजर की प्राइवेसी में ना जाकर उसकी हरकतों पर नजर रखता है। मतलब व्हाट्सएप ये देखता है कि उसका यूजर कब ज्यादा एक्टिव रहता है और कितना समय व्हाट्सएप पर बिताता है। साथ ही यूजर्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत से छोटे छोटे टेस्ट करता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसे हम पर नजर रखकर व्हाट्सएप क्या करता है। तो आपको बता दें कि वो हमारे डेटा को समझकर एक डेटाबेस बनाता है। उस डेटाबेस पर फिर रिसर्च करता है और फिर समझ जाता है कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं। इसके बाद हमारी कलेक्ट की गई सारी जानकारी को विज्ञापन कंपनियों को दे देता है, ताकि वो उसके हिसाब से अपने ग्राहकों के लिए प्रोडक्ट लेकर आए। शायद आपको ये बात तो पता ही होगी कि यूजर्स का डेटा लेने के लिए सैकड़ों कंपनी लाइन में लगी रहती हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट्सएप के जरिए फेसबुक भी जान जाता है कि आप कब एक्टिव रहते हैं, और उसी समय वो भी आपको लगे हाथ विज्ञापन दिखा देता है। ऐसी ही आपकी छिपी छिपी चीजों के जरिए व्हाट्सएप यूजर से डेटा कलेक्ट करके पैसे कमाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसके साथ ही व्हाट्सएप कमाई करने के लिए कई जरिए ढूंढ रहा है। आपको शायद ये बात पता ना हो कि व्हाट्सएप जल्दी ही डिजिटल पेमेंट के मैदान में हाथ मारना चाहता है। कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप ने कहा है कि वो जल्द ही भारत में UPI पेमेंट ऑप्शन लेकर आने वाला है। डिजिटल पेमेंट लाने से सीधे तौर पर व्हाट्सएप की कमाई पर असर पड़ेगा और वो बढ़ने लगेगी। इसके साथ ही व्हाट्सएप बिजनेस में भी एंट्री करने जा रहा है, यानी वो व्यापारियों को अपने यूजर्स के साथ जोड़ने का प्लान बना रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि व्हाट्सएप लाइव चैट के जरिए ग्राहक और व्यापारी को जोड़ने वाला है। इसके लिए व्हाट्सएप अलग से कमर्शियल सर्विस शुरू करने का प्लान कर रहा है, जिससे ग्राहक सीधे सीधे मैसेज के जरिए व्यापारी से अपनी किसी भी परेशानी का हल पा सकेंगे। वैसे इस सर्विस को व्हाट्सएप ने शुरू भी कर दिया है और ये अभी बीटा टेस्टिंग पर है, ताकि इसके अंदर आने वाली सारी खामियों को दुरुस्त किया जा सके।
फिलहाल वो ये सर्विस छोटे व्यापारियों को फ्री में दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये पेड हो जाएगी। दोस्तों, व्हाट्सएप के बढ़ते यूजर्स और पॉपुलैरिटी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है, जो आज के समय में हर स्मार्टफोन चलाने वाले की जरूरत बन चुका है। फेसबुक ने इसे यूं ही करोड़ों डॉलर खर्च करके नहीं खरीदा, वो इससे कमाई के नए रास्ते खोल रहा है, क्योंकि आज के समय में जिसके पास जितने यूजर्स हैं उसको उतना ही फायदा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, जिससे और भी लोग इस बात को जान सकें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार दोस्तों।